बताते हैं कि आईआईटी कानपुर में अंतरागनी का भव्य आयोजन किया गया। अंतरागनी के पहले दिन देश के जाने माने कवियों द्वारा कविताएं और शायरी पेश की गई, तो श्रोताओं में शामिल आईआईटी के छात्र और छात्राओं ने जमकर तालियां भी बजाई। आईआईटी कानपुर के स्थापना दिवस से कवि एकाग्र शर्मा देव द्वारा कविता की शुरुआत की गई, तो हाल तालियों से गूंज उठे। जय जवान जय किसान और जय तकनीकी संस्थान का नया नारा देकर एकाग्र ने खूब तालियां बटोरी। वही कवि सुदीप भुला ने जब देश की बात कविताओं में अपने फन में जाहिर की, तो छात्र छात्राएं उनका उत्साह वर्धन करते हुए भी नजर आए। देश की जाने माने कवि सोन रूपा विशाल द्वारा पेश की गई कविता की पंक्तियों ने समा भी बांध दिया। छात्र और छात्राएं उनकी कविताओं पर मंत्रमुग्ध हो गए। श्रोताओं के बीच अपनी शायरी के लिए पहचाने जाने वाले हरदिल अजीज शायर अजहर इकबाल ने शायरी की लाइनें पेश की, तो श्रोताओं ने बड़ा हाल तालियों से गूंज उठा। और इस दौरान देर रात छात्राओं ने फ्यूजन नाइट में दिल्ली से आए बैंड का खूब आनंद भी लिया। 8 अप्रैल से शुरू अंतरागनी का समापन 10 अप्रैल को सुनिधि चौहान के गानों के साथ होगा। नए नई नस्ल है हमारी, जब उनके दरमियान आना होता है, चाहे वो आईआईटी कानपुर हो या दूसरी आईआईटी, तो उनमें खुशगवार जो चीज़ें महसूस होती हैं वो ये है कि ये लोग हमारी विरासत को संभालने के लिए तैयार हो चुके हैं। अच्छा साहित्य सुनना, अच्छी कविता सुनना, ये अच्छा इंसान बनने की अलामत है। अगर ये लोग अच्छी शायरी सुनने के काबिल हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि देश का भविष्य मजबूत है और हमारे यहाँ अच्छे इंसानों की मेजोरिटी है।